Pernah. Pernah. Khasra. Call kiye the to kyun nahi utha rahe the? Abhi phone laga rahi hai. जी ऐसे भी आशीर्वाद ला। तो अभी चाय पी रहे हैं और दीदी डिक्की में से कुछ सामान निकालेंगे। सामान भी डिक्की में ही छोड़ दिया। एक केक लेते हैं, मैं केक रस में मंगाया। केक? आय वाह! कल हमारे बर्थडे हो? ओ भाई, मेरे को पता ही नहीं चला। थैंक यू काजल। कल थैंक यू। 12 बजे रात में बोलना, ठीक है? 12 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है? हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे ना। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे, और चलिए अब गाड़ी निकालते हैं। हमारे साथ जा रहे हैं काजल बस और मानसी, भाभी यहीं रहेंगी, मम्मी ने रोक लिया। और क्या याद आया मेरे को, सोनू जा रहा है साथ में, तो चलिए अब चलते हैं। और उधर से ही उधर दीदी को भी रिसीव करने जाना है। हो सकता है दीदी आज यहीं पे रहेंगे, या नहीं तो हो सकता है अपने घर लेके चले जाएंगे वहीं पे, और कल नमियों में पूछ के फिर उनके घर पहुंचाएंगे। तो चलिए अभी बैठ गए हैं सब लोग और चलते हैं। बैठ लो। कहाँ आगे निकलो बैठा? मम्मी को और भाभी को गोपालगंज छोड़ना है, क्योंकि कुछ सामान लेना है भाभी को, मम्मी को। तो बोल रही बोल रही हैं कि चलो हमको मार्केट तक छोड़ दो, अब वहीं से हम लोग चल चलेंगे। रुको, भैया को बुलाओ, नहीं बाबू के। और कल से ऐसे ही लगा है ना, बहुत हीट हो गया, इसलिए हवा चलाएं इसे ऐसे, ताकि थोड़ा ठंडा आ जाए, है ना। हवा करो, ऊपर करो। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 7 बज रहा है ना। और इस टाइम मैं निकल रहा हूँ अभी, क्योंकि दीदी और जिया जी आने वाले हैं, तो उनको यहीं पे लेके आएंगे, कल सुबह उनके घर ले जाएंगे, है ना। एक केक लेते हैं, मैं केक रस में मंगाया। केक? आय वाह! कल हमारे बर्थडे हो? ओ भाई, मेरे को पता ही नहीं चला। थैंक यू काजल। कल थैंक यू। 12 बजे रात में बोलना, ठीक है? 12 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है? यहीं सब लोग मिलके काटेंगे। केक इधर से जाते में रख लेंगे, तो वहाँ मिल जाएगा, देखते हैं जहाँ मिल जाता है ना। यानी तो कल दिन में काटेंगे, क्या दिक्कत है? जरूरी है कि रात को 12 बजे ही काटेंगे, है ना। दिन में काट लेंगे, क्यों नहीं, कौन नहीं रहेगा, सब लोग रहेंगे। सबेरे होता तो क्या, चलो पूजा ना हो चले। तो चलिए अभी चलते हैं, है ना। हाँ, इसलिए हम अकेले नहीं जाएंगे, एकदम धीरे धीरे जाएंगे और लेके आते हैं। इनके एक फ्रेंड जा रहे हैं, दो आदमी जा रहे हैं, और वहाँ पे 4 बच्चे हैं दीदी के, छोटे छोटे, और जीजा जी और दीदी, सब लोग आ जाएंगे इधर से। और ये रोड हम कौन सा जाएंगे, सिवान, पंकज भैया के घर जाएगा ना, तुम मिल लीजिएगा। उधर उस रोड में नहीं पड़ेगा उनका, उनका पटना वाला रोड में पड़ता है। अच्छा। ये एकमा धुरंधा उधर होके जाएगा दिघवारा से, यहाँ से दिखा रहा है 100 किलोमीटर सिवान। हाँ, सिवान से 60 किलोमीटर, तो सिवानो तो 40 किलोमीटर है यहाँ से। आराम आराम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिवान जाने में कहाँ टाइम लगता है, आधा घंटा में जाते हैं। हाँ, तो अभी रात जितना ही रात होगा ना, उतना ही रोड खाली मिलेगा पूरा। तो चलिए चलते हैं। हाँ हाँ, आराम से, एकदम धीरे धीरे चलते हैं और फटाक से लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रेन भी नहीं दिखा रहा है इस टाइम, रात को 3-4 बजे दिखा रहा है, तो बच्चे लेके कहाँ परेशान होंगे दीदी, है ना। और लेके आते हैं, चलिए बाय का चलो। तो अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं छपरा जंक्शन, और ये देख सकते हैं पीछे में, तो ये है छपरा जंक्शन, इतना साफ दिखाई नहीं दे रहा। और अमरजीत भी आया है मेरे साथ, इधर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी दीदी का ट्रेन आया ही, अभी ट्रेन 10-15 मिनट और लगेगा टाइम, फिर आती हैं तो चलते हैं, मिलवाते भी हैं आपसे। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट 11 बज चुका है, और अभी भी इंतज़ारे कर रहे हैं हम लोग। ट्रेन ऑलरेडी बहुत देर से लेट था, और अभी शायद कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, हम लोग 2 घंटा पहले ही आ गए थे ना। ये ट्रेन का जो टाइम था ना, ये गोरखपुर में 12 बजे था,
लेकिन इसका रूट चेंज होने की वजह से मतलब शायद हो सकता है लाइन ख़राब हो गया हो, पटरी वटरी का कोई इशू हो, तो इस वजह से ये गोरखपुर ना होके मऊ होके और मऊ बलिया होके ये डायरेक्ट छपरा में आएगा। और इस वजह से ये लेट पे लेट किए जा रहा है, मेरे को लग रहा है 12 बज जाएगा आज यहीं पे। हम लोग सोच के आए थे 10-11 बजे तक चले आएंगे घर पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करीब 9 बजे पहुँच गए थे ना, 9 बजे। अब देखिए कब आते हैं महोदय जी जीजा जी। तो अभी उतर चुके हैं जीजा जी और दीदी और सब, बाबू भी है, चार लोग हैं, चार बाबू और भांजा और भांजी। चलिए अब लेके आते हैं। वैसे बोले गेट पे ही रहिए, अंदर मत आइए, क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है ना इस वजह से। अब 3 नंबर पे उतरे हैं, देखिए कितने देर में आते हैं, बाहर में ही हम लोग खड़े हैं एकदम गेट पे। तो देखिए अब आ रहे हैं पहुँच गए नी प्रणाम प्रणाम चलो ना भगना गोलना लाके मामा का गोड़ना लाएगा, हम भगने को कहे था दुबराइल बा लाई छोलो दे दिले। बाप रे, 2 घंटे से वेट कर रहे थे हम लोग, है ना, है ने है ने। चलिए चलते हैं गाड़ी के पास। पैर तो खेलवा नहीं, ये भी मानसी का फ्रेंड है, हिंदी बोलते ना, वाह साक्षी है। साक्षी कैसी हो आप, बताओ बताओ। ठीक हूँ। अच्छी अच्छी हो, हमारी वीडियो देखती हो? नहीं देखती सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जीजा जी चलिए हम अजीत ले लिया बड़ा वाला बैग, हम बाबू को पकड़ लिया, बबनी को, चलिए गाड़ी के पास। तो चलिए अभी गाड़ी पहली बार दीदी देखेंगे, और अभिषेक पूछ रहा है कि गाड़ी कहने दिया, जल्दी दिखाओ पहचान लो, में से पहचान लो कौन सा वाला गाड़ी पहचान। ये वाला, वो वाला। कौन सा वाला? ये। हाँ मस्त वाला रखू, एक सेकंड डिक्की खोल रहा हूँ। तो अभी डिक्की खोल दिए, एक सेकंड आटा आटा चलो भारी बका, ए आराम से देखो 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 नहीं आता था, अरे वाह जी अरे वाह भाई, हमारा आटा रखता मुझे आटा खरीदे आटा, ए ऐसा जगह रखे फाटो ना, एक और ही बैग बाबू रख दो। हाँ ना ना टूटी ना चूड़ी है ना, अभी तो पूरा सफाई करके ले लें ना। तो काजल तो इसमें क्या क्या रखी थी, तौली गमछी कपड़ा चूड़ी। ठीक बा बाबू, चलो अब बैठो सब लोग, तनी चली पानी वानी पी ली तले पहले, चलिए क्या खाओगे बताओ। ये लो कोल्ड ड्रिंक और 4 गो चिप्स दे दें। तो अभी दोस्तों चल रहे हैं घर पे, और छपरा से निकले करीब 10 किलोमीटर अभी हुआ है। आप पीछे में देखिए दीदी उदी सब लोग बैठे, किसी को नींद आ रहा है? कौन कौन सो गया? साक्षी सो गई। दीदी सो गई? हाँ। दीदी सो गई, अरे इधर देखो। तो अभी हम लोग हैं बाईपास पे छपरा, और चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, मतलब कि 1.5 घंटा लगेगा लगभग लगभग। चलिए आगे का व्यू दिखाओ मुझे, बिल्कुल क्लियर रास्ता है, एक भी गाड़ी नहीं मजा आ रहा है ना चीजा जी, है? तो अभी रात का कितना टाइम हो रहा जी? 1:30 बज रहा है ओनली, और 1.5 घंटे में हम छपरा से लेकर आगे गोपालगंज बताइए। और अभी देखिए काजल उधर कूलर चला के मस्त सो रही है, अंदर लग रहा है ना, घबराओ ना काजल, खोला
कॉल किया था नहीं उठाई, और दीदी कोल्ड ड्रिंक देखे कैसे ले ली। और ये वाला लाइट ना हम बड़े पापा के यहाँ लगा दिए, ये वाला यहाँ पे जो लाइट था बड़े पापा के रूम में लगाए। सनू का साइकिल यहीं था। उठाओ खींचो, फंस रहा है दरवाजा। कॉल किए थे तो क्यों नहीं उठा रही थी? अभी फोन लग रही है जी। ऐसे भी आशीर्वाद ला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे, एंड अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं भी जस्ट अभी उठा हूँ। आए चलते नहीं, क्योंकि रात को करीब 3 बजे सोया था, और सुबह सुबह कादल ने जगा दिया क्योंकि पूजा है आज, पूजा भी करना। दीदी श्री कैसा बात है? ठीक लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है सब खेल रहे हैं। देखा सब खेत में खेलते हैं, खेत में जाकर खेल जाती कपड़े। आँख पूरा लाल लाल हुआ है अभी भी। आइए जबरदस्ती जगह लिया। अब मैं साड़ी पहन ली हूँ, अब चल रही हूँ जल्दी से यहाँ ईंटें जोड़ के पूड़ी बनाऊंगी। फिर क्या हुई चाय नहाई दे दे रहा हूँ। और ये पूरा कल लिपाई कर दी थी काजल अभी। अरे एहू मेरा हम कौन ये बिहान उठते ना दीदी, तो नहा लो जल्दी यार, नहाना है तो फिर आते कल सुबह भी पूजा करेंगे तब ना चलेंगे। हां तो जाइए नहाइए, हम साड़ी निकाल दिए। और जो करना है जल्दी करते रहो, टाइम पास मत करो। और क्या, टाइम हमको पास कर देगा। जो करना है जल्दी करना चाहिए है ना। तो अभी चाय पी रहे हैं, और दीदी डिक्की में से कुछ सामान निकालेंगे, सामान भी डिक्की में ही छोड़ दिया था रात को। और बच्चों के लिए बहुत सारा ब्रेड और चाय, तो ब्रेड का भी खाएंगे सब लोग। और दो लोग वहाँ खेल, एक सोनू है और एक अभिषेक। आओ सब लोग आओ, ए सोनू आओ, दोनों लोग। काजल यहाँ पे लकड़ियाँ निकाल रही है, क्योंकि आज का जो खाना बनने वाला है लकड़ी पे बनेगा, क्योंकि मैया जी के लिए पूड़ी बनेगा जो कि मिट्टी के चूल्हे बनेगा, है ना। मिट्टी के चूल्हा पे नहीं है तो ईंट जोड़ के बनेगा, लेकिन मिट्टी के बर्तन में बनेगा, है ना। और ये साड़ी काफ़ी मस्त लग रहा है, ब्लाउजो हमारे डिजाइन है ना। और आज है दोस्तों मेरा बर्थडे, जो कि आज 16 अप्रैल है, तो मेरा बर्थडे विश कीजिएगा। उम्मीद है कि अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे आप, बर्थडे विश करेंगे। और इधर दीदी और जीजा जी पता ना बैग में ढूंढ के आ रहे हैं उसी टाइम से। ए मिल गई, कपड़े ढूंढ रहे हैं सबके, क्योंकि नहाने जा रहे हैं दीदी और काजल, दोनों लोग आज मंदिर पे जाएंगे फाइनली पूजा करने, तो वो भी नज़ारा एक क्या खूब होगा, है ना। तो चलिए इस ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, एंड मेरा बर्थडे विश करना ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लीजिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।